तो मैं बैडमिंटन को बहुत मतलब अपने आप से मतलब बहुत एकदम भगवान की तरह मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम में पहुंचाया कि आज मनोज सरकार अर्जुन अवार्डी है। Hi, good afternoon, everyone. Today, Harsha Bansal is here again with another live webinar session with one of our prestigious athletes, Manoj Sarkar, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में. थैंक यू सो मच मनोज फॉर ज्वाइनिंग अस, अपना टाइम निकालने के लिए हमारे साथ कुछ चीजें शेयर करने के लिए. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मनोज एक इंटरनेशनल बैडमिंटन एथलीट है जिन्होंने 2018 में एशियन पैरा गेम्स में इंडिया को 2 ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित करा था और उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2018 में फॉर बीइंग वन ऑफ द प्रेस्टीजियस एथलीट इन हिज स्पोर्ट. मनोज, हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि आप जैसे इतने बड़े एथलीट, इतने जिस लेवल पे आप खेल चुके हैं, इतने बड़े एथलीट के साथ हमें बात करने का मौका मिला है. हेलो, या सो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी के बारे में, आपने कैसे बैडमिंटन से शुरुआत करी, आपकी कैसी जर्नी रही है. एक्चुअली सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पहले ना एबल बॉडी में खेलते थे नॉर्मल बिल्कुल एकदम, मुझे पैरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं एबल बॉडी में बचपन से खेलता था। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि 6th क्लास में मुझे मौका मिला कि जो बैडमिंटन है वो आगे के भी खेला जाता, लाइक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और फिर कंट्री रिप्रेजेंट करता है। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे जो कॉलोनी थी उसमें बहुत ज्यादा बैडमिंटन को मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी, मतलब बहुत अच्छा खेलते थे प्लेयर वहां पे, और हम लोग कोर्ट में खेलते थे लेकिन आउटडोर कोर्ट में खेलते थे। लेकिन जब 6th में मौका मिला तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं वहां पर ट्रायल के लिए गया तो मुझे उन्होंने रोक दिया कि आपका पैर खराब है, आप इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैं बड़ा निराश हुआ और होने के बाद फिर ऑलमोस्ट गेम मतलब वही लोकल लेवल पे खेलने लग गया था, और पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि बैडमिंटन रियल में वर्ल्ड लेवल पे भी खेला जाता है। फिर उसके बाद 2000 मतलब जब मैं 11th क्लास में था, ऑलमोस्ट 2007 की बात है, तब मुझे फर्स्ट मौका मिला। और उसमें ऐसा हुआ था कि मैं एकदम रो फर्स्ट रो में बैठा हुआ था क्लास में, और 2 बच्चे मुझे बाहर रैकेट लेते हुए आके देखे, और तो मैं आप बिलीव नहीं, क्लास के बीच में मैं छोड़ छाड़ के चला गया उनके पास, टीचर मतलब पीछे से बुला रहे थे और मैं भाग गया और जाके उनसे कहा कि प्लीज आप ये क्या बैडमिंटन लेके कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा गेम्स होने स्टार्ट होने वाले, ट्रायल है, और पिछली बार जो मैंने गलती करी थी तो इस बार मैंने उनसे पहले ही मांग लिया कि आप मुझे रैकेट दे देंगे, क्योंकि पिछली बार रैकेट लेने के लिए घर गया और घर घर से जब तक मैं रैकेट लेके आया तब तक हमारे टीचर ने कहा कि 123 बच्चों का सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि 15 मिनट में खत्म हो गया। तो इस बार मैंने उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर ली कि आप मुझे रैकेट दे देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ दे देंगे। तो जब गया तो जाके देखा कि वहां पे कोर्ट भी नहीं बना और कुछ भी अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने कोर्ट बनवाया टीचर के साथ मिलके, क्योंकि मुझे रूल्स सारे पता था, तो कोर्ट बनवाया। फिर नेक्स्ट डे सिलेक्शन ट्रायल हुआ और ऑलमोस्ट 54 बच्चों में से मतलब मैं रेगुलर 22 मैच मैंने रेगुलर खेले, और प्रिंसिपल देखने आ गए कि यार मतलब एक बच्चा जिसका पैर खराब है वो मतलब बिल्कुल सिंपल जो अच्छे लड़के बच्चे हैं जिनके सब कुछ ठीक है उनको रेगुलर हरा रहा है, ऐसा कैसे। तब मेरा स्कूल में सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा ब्लॉक में सिलेक्शन हुआ, ब्लॉक से फिर हम डिस्ट्रिक्ट गए, डिस्ट्रिक्ट में मैं फाइनल हारा, फिर स्टेट गया, स्टेट 2 बार खेलने के बाद जब यूनिवर्सिटी के मैचेस थे तब डीके सेन सर से मैं मिला, और उसमें लक्ष्य सेन के पिताजी हैं वो, और शायद आप लक्ष्य सेन को जानते होंगे, तो उनके पिताजी ने मुझे कहा कि आप पैरा में ट्राई क्यों नहीं करते। तब मैंने उनसे कहा कि सर पैरा क्या होता है, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है। तब उन्होंने कहा कि पैरा मीन द सेंस जैसे आप जैसे लोग जिसमें थोड़ी दिक्कतें हैं जिनको हाथ पैर में, वो लोग खेलते हैं ऐसे। और उन्होंने कहा कि एक वर्ड कहा जो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कंट्री रिप्रेजेंट कर जाएंगे और कंट्री के लिए मेडल लाएंगे, क्योंकि आप एबल बॉडी में अगर आप हरा रहे हो, क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो यूनिवर्सिटी के गेम में, तो उनको बड़ा बिलीव था, और उन्हीं का बिलीव था जो आज मैं यहाँ पर हूँ। फिर उन्होंने गौरव सर का नंबर दिया जो अभी वर्तमान में हमारे हेड कोच है, उनसे संपर्क करा, फिर पैरा में मैं अवेल करा, और पैरा में मतलब फिर अब तब से अभी तक पैरा में खेल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई एक आदमी अगर आप नॉर्मल लोग साथ खेल सकते हो, और आप भी मेरे लिए तो आप उतने नॉर्मल हो जितना कोई और खेलता है, मेरे हिसाब से कभी कोई फर्क रहा नहीं इन चीजों में। आपके लिए जब ये सब चल रहा था, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि ये नॉर्मल कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, इसमें अलग तरीके से देखा जाता है, कभी इन चीजों को आपने फेस करा है इन चीजों को? स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेस करा, लेकिन एक्चुअली मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में,
वो हमेशा ना दो बातें सिखा गई है, अभी है नहीं वो मेरे साथ, तो सो सॉरी. उन्होंने दो बातें हमें सिखा गई अच्छे से। पहला कि अच्छा इंसान बनिए, अगर आप अच्छा इंसान बन जाते हैं तो लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं या फिर हमें रियलाइज ही नहीं कराया कि मेरे पैर में कोई दिक्कत है। वो हमेशा कहते थे कि अगर वो पर्सन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो जब भी मेरे लाइफ में अप डाउन आता है तो वही बात रिमाइंड होता है और फिर से हम करते हैं कि ठीक है, अगर वो ये चीज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो पूरी जान लगाते हैं। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वीक है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अभी भी मैं तैयार हूँ एबल बॉडी में खेलने के लिए। ये बात सही है. मतलब मेरे को नहीं लगता आप कोई भी एबल बॉडी आदमी आपसे बेटर खेल सकता है, ये मेरे को इस बात का पूरा दावा है. आपका जब ये सब शुरू हुआ, आपको अर्जुन अवार्ड मिला था, वो किस टाइम पे आपको मिला था? 2018 में जब आपको अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया था, क्या आप अपने टाइम के आप अपने बेस्ट गेम पे थे, या वो एक जर्नी थी जब आप खेलना शुरू करा था उस लेवल पे और आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, वो कैसा, उस वो टाइम कैसा था उस टाइम पे? फ्रेंकली स्पीक, मैं 2011 में पहला नेशनल खेला, 2012 में पहला इंटरनेशनल खेला, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी कि मैं पहले बहुत पीक पे था। मतलब 2015-16 तक तो बहुत पीक पे था, इवन 17 में वर्ल्ड नंबर वन था, पूरा एक साल में वर्ल्ड नंबर वन था मैं। 2018 में जब मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया तो मैं थोड़ा सा निराश था, क्योंकि 2015-16 में मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि उस टाइम पे मिल जाएगा, और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था अर्जुन अवार्ड के बारे में। आपको फ्रेंकली स्पीक बताऊं, 2012 से लेकर 16 तक मैं खेल रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि अर्जुन अवार्ड भी क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब मुझे फॉर्म आया और मुझे कहा गया कि आप भरिए, तब मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मतलब अवार्ड होता है। तो उस टाइम पे क्या था कि अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद हम एशियन गेम्स में गए थे, तो मेरा एक सपना था कि मैं अपने पिताजी को साथ में ले जाऊं, तो पिताजी 2017 में उनकी डेथ होने के बाद मैं लेके नहीं जा पाया, बट मैं हैप्पी हूं कि उस टाइम पे मेरे मम्मी मेरे साथ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरी मम्मी मेरे साथ ही, और राष्ट्रपति भवन में उनको लेके जाना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। वेरी हैप्पी कि आपके पेरेंट्स, मतलब दे मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर यू, जिस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हो. आज आप इंडिया को ओलंपिक्स में, आप पैरालंपिक्स में हमको रिप्रेजेंट कर रहे हो. मेरे को लगता है बहुत जल्दी आपके पास एक मेडल भी होगा और आपकी फैमिली आप पे बहुत ज्यादा प्राउड भी होगी. इस सब आपकी जर्नी के अंदर अगर हम बात करें, जो आपको सपोर्ट मिला है, जो आपको किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया गया आपको, ठीक है, आपके अकेडमी ने आपको सपोर्ट करा, आपको लोगों ने सपोर्ट करा, आपको स्पॉन्सरशिप सेगमेंट में आपको कैसे कभी सपोर्ट मिला है? क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि एक एथलीट है वो, अगर आपके जितना बड़ा कोई एथलीट है वो आज खेल रहा है, क्या उसे उस लेवल तक पहुंचने के लिए सपोर्ट मिला है या फिर पहुंचने के बाद सपोर्ट मिलता है? तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि आपके साथ कैसा रहा है. बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप करा, क्योंकि एक्चुअली मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली सिचुएशन उस प्लेयर के साथ कैसा हो रहा है। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया 2011 में, और खेलने के बाद वो जब नेशनल में जीता, सिंगल डबल दोनों में जीता, और मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप गौटमाला के लिए हो गया था, कांट बिलीव कि मेरा सिलेक्शन हो गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और मुझे नहीं पता था। फिर बड़ी मुश्किल से प्लेयरों से आपस में सुनने को मिला कि आप चैंपियन बन गए हो, नेशनल चैंपियन बन गए, तो अब आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जाओगे, और जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, सीनियर इन द सेंस लाइक ऑफिशियल्स थे, प्लेयर्स नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने रीजन पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आप पहली बार जीते हैं और इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर जाएंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप मतलब कोई ना कोई प्लेयर तो रिप्लेस करता ही किसी को, आज मैं खेल रहा हूँ कल हो सकता है मुझे कोई रिप्लेस करेगा, तो उसमें जो जीतेगा वही तो जाएगा। तो उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा नहीं, जो पुराने सीनियर प्लेयर है वही वर्ल्ड चैंपियनशिप जाएंगे। इत्तेफाकली पूरी टीम इंडिया टीम नहीं जा पाई थी। फिर 2012 में जब मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ उसके लिए, तो मेरे पास कॉल आया कि ऐसा ऐसा इवेंट है स्पेन में, और सॉरी पेरिस में, तो आप जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करना सपना था, तो मैंने कहा ठीक है जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे 50,000 में से 20 नहीं, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास मुझे गोस्पोर्ट ने, मतलब 50,000 का स्पॉन्सरशिप था लेकिन 30,000 के आसपास गोस्पोर्ट ने दिए थे, और 20,000 उन्होंने बाद में मतलब जैसे कि जो मेरे पे खर्चा हुआ वो कर रहे थे उन्होंने। लेकिन इसमें जो ऑलमोस्ट 1,15,000 के अराउंड था, तो उसमें से बाकी खर्चे के लिए मैंने अपने घर में मतलब मम्मी ने गिरवी रखा था कि मतलब वो आएगा तो लौटा देंगे मतलब आगे जाके।
तो स्टार्टिंग में तो सच बताऊं तो किसी को पता ही नहीं होता है कि प्लेयर आगे कितना खेलेंगे कितना नहीं खेलेंगे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इवन 2014 तक मुझे दिक्कत हुई, और 2014 तक मेरे पास 7-8 मेडल थे वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड पे थे, नॉर्मल कैटेगरीज में थे, मतलब ओपन कैटेगरीज में थे। 2014 में जब पहला इंटरनेशनल खेला, और सॉरी पहला एशियन गेम्स खेला, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, तो उसमें मुझे फिर 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले और स्टेट गवर्नमेंट से मुझे 1 लाख रुपए मिले। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे, तो गो स्पोर्ट ने फिर 2012 और 13 2 साल मुझे उन्होंने स्पॉन्सर करा। स्पॉन्सर अमाउंट बहुत कम था, लेकिन एज अ प्लेयर मैं उस टाइम पे बिगनर था, मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए वो 50,000 भी बहुत मायने रखता था। फिर धीरे करते करते फिर 3 साल मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, इवन मैंने अपने पैसे से 2-3 टूर्नामेंट खेले, जो 10 लाख मिले थे उसमें से ही मैंने खर्चे करे। और करते करते आज के टाइम की अगर बात करी जाए, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत सपोर्टेड है, और मैं अभी टॉप स्कीम में हूँ, तो साई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब पूरा हमारा एक्सपेंसेस साई कर रही है। और सेकेंड थिंग, गो स्पोर्ट्स का भी थैंक यू करूंगा कि गो स्पोर्ट दोबारा मुझे उन्होंने रीज्वाइन किया 2017 में, और तब से वो तक अभी अभी वो लोग काफी हेल्प कर रहे हैं। मेरे लिए मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से उन्होंने एथलीट्स की हेल्प करते आए हैं वो इतने टाइम से, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो स्पोर्ट्स ने एथलीट्स की बहुत हेल्प करी है। हमने अभी पीछे बहुत सारे मैंने लाइव सेशन करे, हर एथलीट हर 10 में से 8 एथलीट गो स्पोर्ट्स की तरफ से सपोर्टेड होते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब आने लग गई हैं जो एथलीट्स को इतना सपोर्ट करती हैं। और अब आप टॉप्स की स्कीम में हो, मेरे को लगता है धीरे धीरे आपके साथ चीजें बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, एक समय था जब 2014-15 में जब आपको सपोर्ट नहीं मिला, वो जो टाइम था उसमें आपको मिलना चाहिए था, आज सिचुएशन अलग होती। बट हाँ, इन चीजों को देखते हुए कि अगर आप अपने खुद से कर सकते हो इतना, अगर आप खुद ओलंपिक्स तक जा सकते हो एक खुद के बलबूते पे, तो मेरे को लगता है अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ के इस चीज को और सपोर्ट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एथलीट परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता, उसको एक चांस मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, 2 साल 3 साल डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कितना देना चाहती है। अगर कंपनी इस चीज को प्रमोट करे तो मेरे को लगता है कम से कम 50-60-100 मनोज सरकार निकल सकते हैं जो इंडिया को मेडल दिलाएंगे, और हर 4 साल में इंडिया के पास बहुत मेडल आ सकते हैं। 100% आपकी ये बात से मैं फुल्ली एग्री करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट भी बाउंड रहती है, गवर्नमेंट के दायरे होते हैं, और मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है कि बहुत प्लेयर्स मैंने अपने लाइफ में देखे हैं, मेरे जूनियर्स थे, उन्होंने खेलना स्टार्ट करा, अचानक से अच्छा खेले, फिर डाउन हुए, उसका उन्होंने गेम छोड़ दिया। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर है, मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो उस टाइम पे सपोर्ट कर देना, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे भी आगे अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, और मैं अर्जुन अवार्ड के उनको खेल रत्न भी मिल जाएगा। तो उसके लिए प्लेयर का सपोर्ट मतलब प्लेयर को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, और इसमें सच में गो स्पोर्ट जैसी संस्था मुझे लगता है कि बहुत मदद कर रही है, और आगे मुझे लगता है कि आगे और भी करेंगी। गो स्पोर्ट की एक छोटी सी और अच्छी बात बताऊंगा कि वो आपने जैसे कहा अभी कि वो सिर्फ मेडल होल्डर को सपोर्ट नहीं करती, इवन वो जो फ्रेशर है उनको भी सपोर्ट करती है आज के टाइम में। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे भी किया था जब मैं नेशनल पहली बार जीता था, तो है ना। और इसी बीच में अभी जैसे बीपीएसएल में मैं अभी जॉब में हूँ, और बीपीएसएल का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि वो फुल्ली मुझे प्रैक्टिस करने का पूरा टाइम देते हैं, और उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, मतलब जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी प्रैक्टिस खराब हो, आपकी वो जर्नी में कोई भी दिक्कत आए। इस चीज को देखते हुए अब हमारे बैडमिंटन से 7 एथलीट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे पैरालंपिक्स में। आपके हिसाब से अभी पहले टोक्यो ओलंपिक्स हुए, अब पैरालंपिक्स हैं, टोक्यो ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, अब मेरे को लगता है उतना ही उससे और बेटर हमारे पैरालंपिक्स के जितने भी एथलीट्स हैं परफॉर्म करेंगे, तो जो बैडमिंटन सेगमेंट है उसमें आपके हिसाब से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया कैसा परफॉर्म कर सकता है हमारे बैडमिंटन सेगमेंट में? अच्छा, पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पूरा ऑल ओवर इंडिया से 54 प्लेयर जा रहे हैं पूरे पैरा को, उसमें से 7 बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन जा रहे हैं। तो हम जो ओलंपियंस अभी कहलाएंगे, अभी जब जाने वाले हैं, तो 7 में से मुझे उम्मीद है कि मुझे जहां तक लगता है कि गोल्ड सिल्वर तो पता नहीं, लेकिन कलर कोई सा भी हो, लेकिन 5 मेडल तो इंडिया के मुझे लगता है कि श्योर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट पैरा में इस बार सिर्फ पैरालंपिक्स में पैरा बैडमिंटन दे देगा, और मुझे ये मतलब उम्मीद है अपने आप से भी और पूरे टीममेट से भी कि हम 7ों में से 5 मेडल तो श्योर आएंगे, और अगर भगवान ने चाहा अच्छा रहा तो 7ों के 7ों मेडल भी आ सकते हैं।
मेरी पूरी उम्मीद है, मेरे साथ में से साथ की वो है कि हमारे पूरे साथ के साथ मेडल्स हमारे लिए होंगे। उसके साथ आपने चीज को एक्सपीरियंस हो रही है, आप फर्स्ट टाइम आप जाओगे इस लेवल पे खेलने, आपने एशियन गेम्स खेले हुए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इतने टाइम में? कुछ फर्क होता है इस लेवल पे जाने के लिए? कुछ माइंडसेट में चेंज आता है, या फिर लोगों के जैसे लोग आपसे बात करते हैं क्या उसमें फर्क है, या आप चीजों को कैसे देखने लगे हो बैडमिंटन को एज ए स्पोर्ट, जब आपको पता चला कि ठीक है मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा टोक्यो में, तो कुछ चेंजेस आता है या फिर आप चीजों को वैसे ही रखते हो जैसे चलता है आपके साथ? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखा जाए तो। और इसमें मेरे जो गुरु हैं गौरव खन्ना जी, और तो उन सर से मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी कि सुबह उठ के अगर आप अपनी चीजों को रिक्वेस्ट मतलब रिस्पेक्ट करोगे ना, लाइक बैडमिंटन को अगर प्रणाम करते हो और अगर आप कहते हो कि इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आज आपसे लाइव कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चीज का सम्मान करिए। तो मैं बैडमिंटन को बहुत मतलब अपने आप से मतलब बहुत एकदम भगवान की तरह मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम में पहुंचाया कि आज मनोज सरकार अर्जुन अवार्डी है। तो सबसे बड़ा कदम वही है कि पहले उसको रिस्पेक्ट करिए। दूसरा कदम, जैसे आपने कहा कि बड़े गेम्स का क्या प्रेशर रहता है, बड़े गेम्स के प्रेशर्स में फ्रेंकली स्पीक प्रेशर लोगों का ज्यादा रहता है, क्योंकि देखा जाए तो इवेंट वही है, नाम चेंज होते हैं, प्लेयर्स वही हैं, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। तो प्लेयर्स और इवेंट तो सेम ही है, बस नाम चेंज होने की वजह से लोग हम के एक्सपेक्टेशन ज्यादा जुड़ जाते हैं और उनका जो एक्सपेक्टेशन रहता है उस चीज का थोड़ा सा डर रहता है। बट कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत अच्छी बात बताई और उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए मेडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश को आप पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज से एक एनर्जी मिली और कहीं ना कहीं एक जो थोड़ा सा डर था कहीं से, मतलब हम लोग डरे हुए थे कि नहीं लाएंगे तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में, वो सारी चीज हट गई है और अभी हम जाके सिर्फ अपना 100 और 200% देना जा रहे हैं बस, जो भी रिजल्ट होगा, क्योंकि प्लेयर तो वही है, हमें बस उनके साथ कम्पीट करना है, खेलना है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही एक छोटी सी चीज, आपको जैसे अलग कंपनीज ने आपको सपोर्ट कर रहे थे, कंपनीज आई हैं स्पोर्ट्स ऐप अपनी तरफ से एक क्राउड फंडिंग के लिए एक पैनल खोल रहा है जिसमें हम आपके जितने भी फ्यूचर टूर्नामेंट्स हैं, जैसे कि आपने आपको इस लेवल तक आने में कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है, कुछ लोगों ने सपोर्ट करा है आपके साथ, जो आपने अब फेस करा है वो आपके साथ दोबारा ना हो आने वाले 24 पेरिस के लिए, या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे या जो एशियन पैरा गेम्स होंगे उन चीजों के लिए स्पोर्ट्स आप एक छोटा सा एक कॉलम स्टार्ट करेगा जिसमें हम लोग जितने भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, जितना आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड हो कि मेरे को ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे को इसके खर्चे हैं, मेरे को इसमें सपोर्ट चाहिए, उस चीज के लिए स्पोर्ट्स ऐप आपके लिए एक फंड रेज करेगा जिसमें से जो भी फंड आएगा वो आपको दिया जाएगा उस चीज के लिए, ताकि आपको दोबारा कभी इस चीज की इश्यू ना हो। चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स ऐप को आपके थ्रू कि जी जो भी फंड राइज होता है और अगर 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 फंड अच्छा निकल जाता है और अगर सपोज मुझे जरूरत ना पड़े तो मैं चाहूंगा कि जी मेरे जूनियर्स जो भी हो जाए, वो पैरा हो, एबल हो, का कोई भी खिलाड़ी हो जिसको, तो आप उसमें से जरूर मदद करिए ताकि मुझे खुशी हो कि मेरे वजह से किसी और को भी मतलब मदद मिल रही है। क्योंकि मेरा एक सपना है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई है वो मेरे थ्रू या मेरे जूनियर्स को कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आपकी, और ये चीज हम पक्का से ये चीज हम ध्यान देंगे कि जो एक बार हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। शायद कनेक्शन मिस हो रहा है। हेलो, हाँ जी या जी जी हाँ, तो बस जो आपके साथ जो आपने एक्सपीरियंस करा, मैं चाहूंगा बस जो आपका अच्छा एक्सपीरियंस था वही सेम एक्सपीरियंस बाकी एथलीट्स को मिले, हम वो चीज ट्राई करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह से। हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हो कि आप अपना जो फंड है वो आगे शेयर करना चाहते हो, वो टोटली आप पे, और हम इस चीज को पूरा हेल्प करेंगे आपके साथ, जितने एथलीट्स हैं हम सबके लिए हेल्प करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जी शायद स्पोर्ट्स ऐप का मैंने कहीं पे सुन रहा था कि एक एथलीट थे, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, लड़की थी, बच्ची थी, अभी शायद 19 या 17 खेल रहे, उसमें भी आपने मदद करी तो उन्होंने आपके बारे में बताया था मुझे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैं भी शायद शिखा गौतम, तो हाँ उन्होंने कहा था कि हाँ उन्होंने वो कहा था बैडमिंटन आपके बारे एथलीट है। हाँ में, जी बैडमिंटन एथलीट है, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने जी कहा था कि ऐसा ऐसा है कि स्पोर्ट्स ऐप से काफी मदद मिली। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों की वजह से आज प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते,
बट आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं और आप लोगों की मदद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि मतलब ऐसी संस्था पहले से अगर होती तो मुझे लगता है कि 10 और मनोज सरकार खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपकी मदद हो जाए हमारे लिए इतना ही है। हमारा कुछ भी कोई इसमें बड़ापन नहीं है, कोई बड़ा रोल नहीं है, बड़ा काम आप करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद भैया, लेकिन लेकिन धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम सेशन को फिनिश करते हैं। स्पोर्ट्स आर की तरफ से आपको बेस्ट विशेस आपके टूर्नामेंट के लिए। आप जाओ, आप अच्छा खेलो, आप पूरा अपना 100% दो, रिजल्ट जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि इंडिया को सारे मेडल्स बैडमिंटन के इंडिया की तरफ से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कोशिश पूरी रहेगी। जी थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। यू, बाय।